बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू है। पटना जिला के फुलवारी शरीफ विधानसभा में बीएसपी आरएसपी एआईएमआईएम के उम्मीदवार प्रतिभा कुमारी आज नामांकन करने पहुंची। नामांकन करने के बाद मीडिया कर्मियों से संबोधन में क्या कुछ कहती हैं प्रतिभा। फुलवारी विधानसभा से जनबोल न्यूज के लिए ग्यासुद्दीन की रिपोर्ट। देखिए, मैं जनता के बीच जाऊंगी और सबसे पहले क्षेत्रीय मुद्दा लेकर जाऊंगी कि अभी तक फुलवारी में जो भी विधायक बने हैं वो कोई क्षेत्रीय उम्मीदवार अभी तक विधायक नहीं बन पाए हैं। सब जो भी बने हैं सभी बाहर का बने हैं। मैं फुलवारी की बेटी हूँ, मेरा जन्म और कर्म फुलवारी में ही हुआ है और मैं फुलवारी के जनता से मैं रिक्वेस्ट और करना चाहती हूँ कि जो समस्याएं हैं, जो एक फुलवारी विधानसभा के जो जनता के जो दुख और दर्द एक लोकल उम्मीदवार समझ सकता है वो बाहरी नहीं समझ सकता, क्योंकि यहाँ देख लीजिए फुलवारी विधानसभा का विकास जो है कि रुका हुआ है। 15 साल आरजेडी और जेडीयू के विधायक रहे लेकिन फुलवारी विधानसभा क्षेत्र का विकास एकदम नहीं हो पाया। चाहे सड़क की बात कर लीजिए, अस्पताल की बात कर लीजिए, स्कूल की बात कर लीजिए, में रोजगार की बात कर लीजिए, महिलाओं की बात कर लीजिए, यहाँ जो है कि सभी को मूल भी सुविधाएं तक नहीं है। और मैं जनता के बीच में जाऊँगी और मेरी मुद्दा रहेगा लोगों का विकास करना, संपूर्ण विकास करना, चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, गरीब हो, अमीर हो, सभी का विकास करना। जनता से मैं यही कहना चाहते हैं कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं फुलवारी की बेटी हूँ और एक जनप्रतिनिधि का जो धर्म होता है जनता का भलाई करना, मैं वही जनता का भलाई करके दिखाऊंगी।